ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि WWE का अगला पेपर व्यू है हेल इन अ सेल और स्टोरी लाइन में अपनी डायरेक्शन लेती हुई दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में क्या फ्यूचर होल्ड करेगा, द शील्ड के लिए रोमन रेंज क्या करने वाले हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रोमन रेंज के बीच हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसके अलावा रोंडा राउज़ी ने जो लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में स्टेफनी मैकमैन के ऊपर अटैक किया था, उसका क्या उन्हें यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान झेलने को मिलने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में हम नेक्स्ट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं कि वहाँ पर हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में। तो हमने लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में देखा था कि कैसे रिवाइवल के दोनों मेंबर्स ने अलग अलग हरा दिया था बो डैलस एंड कर्टिस एक्सल को। तो इसके बाद WWE अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से एडवर्टाइज कर रही है कि अब जहां पर जब रिवाइवल ने हरा दिया सिंगल्स मैचेस में बो डैलस एंड कर्टिस एक्सल को, तो क्या यहां पर एक बार फिर से रिवाइवल को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो इसमें लगता है शायद हेल इन अ सेल में एक बार फिर से हमें रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इन दोनों टीम्स के बीच मैच देखने को मिलेगा और इसी से जुड़ी हमें स्टोरी लाइन नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। अगली चीज बात करें जो कि जुड़ी है बैरन कॉर्बिन से, तो लास्ट वीक हमने एक बैकस्टेज सेगमेंट देखा था जहां स्टेफनी मैकमैन ने कर्ट एंगल को वैकेशन पर भेज दिया, और आपको बता दूं नेक्स्ट शो के एपिसोड में हमें कर्ट एंगल देखने को भी नहीं मिलने वाले जैसे WWE फिलहाल बता रही है। तो इसके चलते WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा कि पहली बार पूरी रॉ के एपिसोड को चलाने वाले हैं बैरन कॉर्बिन, और यहां पर उन्होंने टीज भी किया कि हो सकता है किसी बड़ी स्टोरी लाइन में हमें बैरन कॉर्बिन इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि वो द शील्ड के साथ डील कर सकते हैं या फिर रोंडा राउज़ी के बीच में आ सकते हैं या फिर हो सकता है उनका फिन बैलर के साथ ही हमें कोई सेगमेंट देखने को मिले। अगली चीज की बात करें जो कि जुड़ी है न्यू रॉ के वुमन चैंपियन रोंडा राउज़ी से, तो हमने लास्ट रॉ के एपिसोड में देखा था कि कैसे एक बार फिर से रोंडा राउज़ी ने स्टेफनी मैकमैन के ऊपर अटैक कर दिया था। तो हो सकता है एक बार फिर से यहां पर WWE जिस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर बता रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर रोंडा राउज़ी को फिर से कोई पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि स्टेफनी मैकमैन के ऊपर उन्होंने एक बार फिर से अटैक कर दिया था। और हो सकता है यहां पर कुछ ऐसा भी देखने को मिले, जैसे कि हम लोग जानते हैं रॉ के वुमन चैंपियनशिप के हेल इन अ सेल में क्या मैच होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है एलेक्सा ब्लिस आकर अपना रीमैच मांगे और यहां पर भी हमें बैरन कॉर्बिन की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है, जहां वो हेल इन अ सेल के लिए इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच कंफर्म कर सकते हैं। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस से, तो हमने लास्ट रॉ के एपिसोड में देखा था कि हमें डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की स्टोरी लाइन में देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा रॉ के एपिसोड में होने वाला है ये बात हम 100% कंफर्म नहीं कह सकते, हालांकि यहां पर इसके चांसेस ज्यादा हैं। और जैसे मैं आपको अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि हेल इन अ सेल के लिए एक टैग टीम मैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है जो कि ड्रू मैकइंटायर एंड जिगलर वर्सेस डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस के बीच, और अगर वाकई में ऐसा होने वाला है तो शायद हो सकता है नेक्स्ट शो के एपिसोड में हमें डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस अपनी टैग टीम फ्यूड कंटिन्यू करते हुए दिखाए दें जिगलर एंड ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है पॉल हेमन से, तो हमने लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में बैकस्टेज सेगमेंट देखा था जहां हमें पॉल हेमन देखने को मिले थे, तो इसमें सवाल यहां पर एक है स्टिल ब्रॉक लेसनर के जाने के बाद हमें पॉल हेमन WWE में देखने को मिलेंगे, तो शायद इस बात का जवाब हमें नेक्स्ट शो के एपिसोड में मिल जाएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट शो के एपिसोड में पॉल हेमन नहीं आते तो कह सकते हैं यहां पर ज्यादा चांसेस ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म हो जाएगी कि शायद ब्रॉक लेसनर के जाने के साथ साथ पॉल हेमन भी जा चुके हैं। लेकिन अगर हमें नेक्स्ट शो के एपिसोड में पॉल हेमन देखने को मिलते हैं तो यहां पर एक चीज समझ में आ जाएगी, और वो ये कि ब्रॉक लेसनर भले ही WWE कंपनी छोड़कर चले गए बट स्टिल पॉल हेमन का हमें बड़ा रोल WWE में देखने को मिलेगा, और हो सकता है अगर नेक्स्ट शो के एपिसोड में पॉल हेमन आ रहे हैं तो वो जिस भी किसी स्टोरी लाइन में हो गए वहां से पता लग जाएगा कि आने वाले महीनों में पॉल हेमन WWE के अंदर क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल चीज की बात करते हैं जो कि पॉसिबली हमें मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, और वो हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में है, जैसे मैं आपको एक वीडियो बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां मैंने आपको बताया था कि कैसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच मैच देखने को मिल सकता है, ब्रॉन स्ट्रोमैन आए वो कैश इन करें और उसके बाद यहां पर मैच स्टार्ट हो जाए दोनों सुपरस्टार्स के बीच। हालांकि मैच स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन फिर भी मैच की एंडिंग क्या होगी, WWE इस मैच में क्या बड़े हमें सरप्राइज दे सकती है या फिर यहां पर कहीं बैरन कॉर्बिन कोई बड़ा रोल तो प्ले नहीं करने वाले, डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस यहां पर आकर क्या करेंगे, तो यहां पर कुल मिलाकर काफी सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं कि WWE इस मैच में क्या कर सकती है। पॉसिबिलिटी यहां पर काफी ज्यादा है, ब्रॉन स्ट्रोमैन कैश इन कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं, उनका कैश इन फेल हो सकता है, रोमन रेंस हरा सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को, तो यहां पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कहना काफी मुश्किल है कि WWE क्या करने वाली है इस पूरे सेगमेंट में। लेकिन ये बात तो यहां पर कंफर्म है कि रिंग में एक सेगमेंट ऐसा जरूर होगा जहां हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रोमन रेंस एक साथ देखने को मिलेंगे, और जब ऐसा होने वाला है तो यहीं से पता लगता है कि नेक्स्ट शो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपने इस वीडियो काफी एंजॉय किया होगा, तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट करके आप मुझे बताना कि नेक्स्ट शो के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।